प्रोग्राम जिज्ञासा विच आप जी का निघा स्वागत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस प्रोग्राम का मनोरथ साढ़े दर्शकों वालों पूछे गए उन्हां सवालों के जवाब देना है जो सीधे रूप में साड़ी जिंदगी दे नाल जुड़े होंदे है, साड़ी जिंदगी नूं प्रभावित करते हैं, इस जिंदगी नूं होर वधिया, होर सुखी, होर सफल ते होर खुशहाल बना सकते हैं। साढ़े नौजवानों के विवित्र भविख ते गुरमत विचारधारा के प्रचार ते प्रसार नूं मुख रखद्या होया इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर किया है सरदार रमनदीप सिंह संधु ने ब्रैम्पटन कनेडा तो। आओ हुण आपां साडे स्रोतियां वल्लों पुछे गए सवालों के देईए जवाब। तो सब तो पहला मैं जो साडे कोल सवाल आए ने एक बार वो सारे ही सवाल आप जी दे सन्मुख पढ़ देना चाहुंदा हाँ, फिर उस तो बाद इन्हां सवालों के जवाब देने का सिलसिला असी जारी करांगे। सब तो पहला साडे कोल सवाल भेजे भाई शरणजीत सिंह ने गुरद्वारा संत भगत सिंह जी एक नंबर NIT फरीदाबाद तो। ये लिखते ने, असी कहिंदे हाँ कि सारे मसले प्यार नाल हल हो सकते हैं, तो फिर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने तलवार क्यों चुकी सी। बहुत वधिया सवाल है। सब तो पहले तो मैं एक गल ये कह देनी चाहुंदा हाँ, प्यार भी अपनी जगह जरूरी है परंतु सख्ताई भी किते ना किते चाहिए है। जिस तरह तुसी देखते हो शरणजीत सिंह जी कि दवाई दे नाल बहुत सारियां बीमारियां ठीक हो जांदियां ने, परंतु कुछ ऐसा बीमारियां भी होंदिया ने जिथे दवाई कारगर नहीं होंगी उत्थे फिर डॉक्टर नूं ऑपरेशन करना पैंदा है। और गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे हाथ दे विच जो तलवार दिसदी है वो तलवार इसे तरह ही है जिवें एक डॉक्टर दे हाथ दे विच चाकू हुंदा है, एक लुटेरे कातल दे हाथ विचला चाकू जां बंदूक होर मकसद लई हुंदी है, पर एक पुलिसमैन जां एक डॉक्टर दे कोल जो चाकू जां हथियार हुंदा है उहदा मनोरथ कुछ होर हुंदा है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने यह तलवार उदों चुकी सी जदों सारे ही प्यार दे हीले वसीले खत्म हो गए सी, क्योंकि राज सत्ता दा गुरूर ऐसा हुंदा है ये प्यार दे नाल नहीं उतारिया जा सकता। हुण मैं इहदी एक होर ही उदाहरण तुहानू दे देवां। मन लो एक बंदा सोने दा कड़ा, सोने दी चेन पा के, वधिया घड़ी लै के रात नूं इकल्ला जंगल विच तुरिया जा रहा है। उस बंदे नूं 2-3-4 डाकू घेर लैंदे आ, ते हुण ओह बंदा चाहे कि मैं प्यार दे नाल इन्हां बंदिआं तों बिना किसे हथियार तों बच जावां, ते की उहदा प्यार उत्थे कम आवेगा? बिल्कुल नहीं। 2-3-4 अतवादी आ जाते हैं AK-47 राइफलां लैके और लोगों को बंधक बना लेंदे हैं, तो लोग कहन के असी इन्हां दे नाल प्यार नाल गल करके इन्हां तो छुट जावांगे, कि वह छुट सकते हैं? नहीं। उस जगह पर तो हुण फौजी एक्शन की लोड़ पवेगी ही पवेगी। हर कम प्यार दे नाल नहीं हुंदा, ते हर कम तलवार दे नाल भी नहीं हुंदा। इसे नूं ही इंटैलीजेंसी कहा जाता है कि कित्थे असी प्यार वरतना है ते कित्थे असी सख्त होना है। घर दे विच भी, बच्चियां दे नाल भी, हर जगह ते सानू कई बार सख्ताई वरतनी ही पैंदी है और कई जगह ते प्यार भी वरतना पैंदा है। दोवें ही चीज़ां बहुत जरूरी है। अगला सवाल है साडे कोल मनन इंदर सिंह दा, गुरु नानक 5th Century School मसूरी तो। ये कहिंदे ने, पढ़ाई करदे समय सानू केड़ियां केड़ियां गल्लां दा विशेष ध्यान रखना चाहिए ता कि असी जिंदगी दे विच वध तो वध सफल होईए? वाकया ही बहुत वधिया सवाल है और बहुत सारे साडे विद्यार्थियों के जीवन जिंदगी दे नाल जुड़िया होया। मनन इंदर सिंह जी, सब तो पहली गल तो यह है कि पढ़ाई जिसनों असी हिंदी दे विच विद्या कहने, विद्या ये विधि शब्द तो बनया। विधि का मतलब हुंदा है टकनीक। टकनीक दे नाल कीते गए काम नूं ही विद्या जां एजुकेशन कहा जाता है। जिस काम दे विच टकनीक नहीं होवेगी वो काम कदे भी विद्या नहीं अखवावेगा। दूसरा मैं इहनूं इस तरह कह सकदा है कि कार तां कोई भी चला सकता है, कोई भी बंदा, परंतु जे ट्रेंड ड्राइवर कार चलाएगा और टेक्नीक दे नाल चलाएगा तो किते भी उहदी कार दा एक्सीडेंट नहीं होएगा, मंजिल ते पहुँच जाएगी। परंतु जदों एक अनाड़ी बंदा उसे कार नूं चलाउण दी कोशिश करेगा तो हो सकता है वह मंजिल ते ना पहुँच पाए तो एक्सीडेंट कर बैठे।
इहो ही कंडीशन है एजुकेशन दे नाल। असल विच पढ़ाई है जिहड़ी एक कला भी है ते कला दे नाल नाल ए साइंस ए टेक्नीक भी है और पढ़ाई दे विच खास करके टेक्नीक्स बहुत 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 सारियां ने क्योंकि पहले एक जमाना हुंदा सी उदों कहा जांदा है सख्त मेहनत करो वर्क हार्ड, परंतु हुण कहा जांदा वर्क स्मार्ट। सानू स्मार्ट तरीके दे नाल पढ़ना चाहिए है। तो जो स्मार्ट तरीके नाल पढ़न की गल आउंदी है तो सब तो पहली तो गल ये है पढ़ाई करते समय सानू ये पता होना चाहिए है जो मैं पढ़ रहा हाँ वो की है तो वो साडा की परपज सॉल्व करेगा, उन्हों पढ़न का सानू फायदा की होगा। जेकर तो सानू ये पता चल जाता है कि ये चीज़ सानू ये फायदा या नुकसान देंदी है तो असी उस चीज़ वल अपना इंट्रस्ट उस वेले वधा लें, पर जब सानू ये नहीं पता चलता उदों साडा इंट्रस्ट घट जाता है। तुसी क्या सानू विशेष की ध्यान रखना चाहिए? पहला ध्यान ये रखना चाहिए सानू कदे नहीं भुलना चाहिए पहले दिन तो ही कि जो किताब लिखी है ये सारी की सारी किताब साडे पढ़न लई लिखी है, इसलिए उस किताब नू सारी नू पढ़ना है। पहली बार सारी किताब नू चंगी तरह पढ़ना है, दूसरी बार मोटिया मोटिया चीज़ां उहदे विच नोट कर लेनियां है, तीसरी बार उन्नू सिर्फ देखना है और इस तरीके नाल करना है। तीसरा सानू ये कदे नहीं भुलना चाहिए कि जो असी एग्जाम देने उहदी तैयारी असी एग्जामां तो सिर्फ एक महीना दस दिन भीह दिन पहला ही स्टार्ट नहीं करनी, असी पढ़ाई दे पहले दिन तो ही एग्जाम्स नू मुख रख लेना है और ता ही साड़ी प्रेपरेशन होनी चाहिए है। क्योंकि याद रखो जे कोई ये कहे कि अजे तो मैं वर्ल्ड मैच जितना है क्रिकेट का परंतु अजे मैच बहुत दूर है, एक महीना पहला प्रैक्टिस करांगा, वो टीम कदे नहीं जित सकती। पर एक टीम जो दो साल पहला तो ही मेहनत शुरू कर देगी प्रैक्टिस शुरू कर देगी उस टीम नू हराउणा बहुत औखा है। एग्जाम्स देंदियां समय भी सानू बहुत सारे ध्यान रखन दी लोड़ है, जिस तरह जो सवाल सानू सब तो वधिया आउंदे आ वो पहला करने हैं, जो उस तो थोड़ा जिहा घट आउंदे आ वो दूजे नंबर ते रखने हैं, जो बिल्कुल नहीं आउंदे वो तीजे नंबर ते रखने हैं, तो जो फिर सानू थोड़े थोड़े आते हैं वो चौथे नंबर पर रखने हैं, ता कि जब कोई साडा पेपर चेक करे तो पहले ही वो मन पर साडा इंप्रैशन वधिया पै जाए, जिस करके वो सानू चंगे नंबर सोहने नंबर देंदा तुरिया आवे, तो फिर जदों थोड़ा जिहा गलत भी आएगा तो वो सानू रियायत उत्थे मिल जाएगी। और जदों थोड़े जे सवाल जो बिल्कुल तुक्यां वाले उत्थे आ जावांगे तो वह फिर भी अपने नंबर देन दे फ्लो नू अपना जो उन्हें माइंडसैट साढ़े लिए इमेज बनाई है उन्हें रोक नहीं सकेगा, चंगे नंबर दे जाएगा। तो लास्ट दे विच जिथे असी एंड करांगे जो फिर वेखेगा वो ये जान आ गई है सवालों के जवाब फिर ठीक देन लग गया, वो नंबर की रफ्तार फिर चुक देगा, इदा नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं। अगला सवाल साढ़े को आया है गुरजशनदीप सिंह दा चांद मारी डोई वाला देहरादून तो, ये पुछते ने सब लोग जिंदगी वेच सफल होना चाहते हैं पर हुंदे क्यों नहीं, सानू जिंदगी वेच सफल होने लई किहड़े किहड़े काम करने चाहिए है। वाकई बहुत वधिया सवाल है, तुसी किसी भी बच्चे नू पुछो ना छोटे नू तू की बनना चाहुंदा है तो गुरजशनदीप वो यही कहेगा डॉक्टर वकील इंजीनियर पायलट, परंतु वड्डा होके उही मुड़ के पैलट ते बनदा है पर बैलगाड़ी दा, बैलगाड़ी ते बैठ के खेत तो चारा घर लिया रहा हुंदा है। उही बंदा फिर इंजीनियर तो बनदा है परंतु होर किसी चीज़ का नहीं, किसी पंखे रिपेयर करन वाली दुकान ते निक्की जी ते लगा हुंदा है। असल विच की है कि जिंदगी दे विच सफल होना है जिहड़ा ये एक टैक्नीक दा काम है। पहली गल साढ़े को लगन चाहिए है, जेकर लगन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और सानू पहले ही सोच लेना चाहिए मैं की काम करना है किमें करना है। दूसरा तुसी सफल होने की गल की है तो तुसी जेड़े भी फील्ड जाना चाहते हो, जे तुसी पुलिस अफसर बनना है तो अपने आस पास कोई चंगा पुलिस अफसर तलाश लो तो उस पुलिस अफसर दे तुसी जेड़ा है वो सेवक बन जाओ, उदे कोल जाओ मिलो गल्लां करो तो सीखो जिन्ना कुछ तुसी 20 किताबां पढ़ के दो साल सीखना है उन्ना उही पुलिस अफसर तुहानू दो तीन वार मिलिया ही सिखाल जाएगा। जेकर तुसी एक डॉक्टर बनना है
ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਂਸਰੀ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮਨਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡੋਈਵਾਲਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਰੀਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਚੀਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਧੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟੇਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰਹਿਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 88 376 90 192 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
सफलता के उद्देश नूं मुख रखदिया होया इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर किया है सरदार रमनदीप सिंह संधू ने ब्रैम्पटन कैनेडा तो। तुसीं वी जेकर इस प्रोग्राम की स्पॉन्सर सेवा लेना चाहते हो तो साढ़े नाल संपर्क करो। साढ़े मोबाइल नंबर 88376 90192 ते। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।